वेलकम टू माय चैनल पिंकी रानी की रसोई। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। फ्रेंड्स, ठंडी का मौसम चल रहा है जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक है, क्योंकि ठंडी में होने वाले सारे निमोनिया है, खांसी है, साइड इफ़ेक्ट बुखार है, ये सब होते रहते हैं। खासकर ये दिसंबर का माह चल रहा है, दिसंबर का महीना है जिसमें ज़्यादा ही ठंडी होती है। दिसंबर जनवरी में तो ठंडी होती ही है, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो खासकर पैर चलते हैं, जैसे कि 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, वैसे तो बड़े बच्चे भी हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो जाती है इस माह में, क्योंकि वो स्कूल भी जाने लगते हैं तो उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। पर थोड़ी बहुत देखभाल वो खुद ही अपनी केयर कर सकते हैं, बड़े तो करते ही हैं अपनी, पर छोटे बच्चों की देखभाल करनी माता बहनों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि मेरा बेटा जो है 2 साल का है, और उसकी देखभाल करने के साथ साथ घर का भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, खाना बनाना है, वैसे भी सारे बहुत काम होते हैं। इस वजह से मैं रोज़ाना वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती फ्रेंड्स, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता है जिससे कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, इसलिए 8 दिन का 4 दिन का गैप हो ही जाता है मेरी वीडियो में। कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना दे पाऊँ वीडियो, नया वीडियो डाल पाऊँ, पर नहीं हो पाता और इसलिए गैप हो जाता है। और साथ ही मैं फ्रेंड्स, जो पिछले मेरे वीडियो में मिस्टेक हुआ था, क्योंकि मैं एक वीडियो को 2 बार डाल चुकी हूँ और मुझसे गलती से ही पब्लिश हो गया, मैं नहीं कर दिया ये पब्लिश और आगे नहीं कर करूँगी या करने की कोशिश करूँगी कुछ अच्छा, वीडियो भी अच्छा बनाऊँ और अच्छा डालूँ, और साथ में ये जो गलती हुई है मुझसे वो भी नहीं कर पाऊँ या नहीं करूँ, क्योंकि मैं खुद से ही ये सब कुछ करती हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता सब कुछ ठीक और गलती हो जाती है मुझसे, क्योंकि मैं अब यूट्यूब पर नहीं आई हूँ तो सही तरह से एडिट वीडियो या अपलोड करना नहीं आ रहा है अभी मुझसे। कोशिश कर रही हूँ कि आगे से सीख जाऊँ सही से और सही से करूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ छोटे बच्चों के लिए, साथ में छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, हम सभी उसको खा सकते हैं। वो हिंदी में उसको शकरकंदी बोलते हैं और इंग्लिश में उसे स्वीट पटाटो बोलते हैं। उसको मैं उबाल के बनाने जा रही हूँ, क्योंकि उसको पानी, खासकर वो पानी में ही उबालते हैं, उबाल के उसको बॉयल करके हम सभी को खिलाते हैं या अपने बच्चों को भी देते हैं। और मैं शुद्ध देसी स्टाइल में बनाने जा रही हूँ बिना पानी के, शकरकंदी को उबाल के आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने उबाली है और क्या उसमें क्या प्रक्रिया की है, वो सब आपको बताऊँगी। और साथ में उसके जो फ़ायदे हैं उसको भी बताऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनेकों फ़ायदे होते हैं शकरकंदी खाने से, अगर रोज़ खाया जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को मिलता है, दिमाग को भी मिलता है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वो, क्योंकि शकरकंदी में विटामिन ए पाया जाता है जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए और आँखों में चमक के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसको खाने से, और वो खाने से उपयोगी होती है हमारी बॉडी के लिए। शुगर के जो मरीज होते हैं उनके लिए तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि मीठी कोई भी चीज़ या मीठा कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। पर शकरकंदी तो अपने आप में ही मीठी होती है, पर उसको हम रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उससे उनका शुगर लेवल जो है नॉर्मली रहेगा, उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट कोई भी नुकसान उन्हें नहीं होगा। साथ ही में उसमें विटामिन ई और सी पाई जाती है जिससे कि हमारी त्वचा के लिए, स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होती है, उससे हमारे जो बाल हैं उनमें ग्रोथ और बाल लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं, साथ में हमारी त्वचा में चमक ग्लो भी आता है उसको खाने से। और फ्रेंड्स, उसको खाने से जो है हमारे जो फूड पॉइजनिंग हमारे बच्चों को में हो जाती है, हमें भी हो जाती है, गैस हो जाती है, इस सब में भी वो फ़ायदेमंद होती है, इससे ना तो गैस होती है और ना ही बार बार जो बच्चे हैं बार बार पोटी करती हैं वो भी नहीं हो पाती, और उसमें भी वो प्रतिरोधक क्षमता जो है, शक्ति है जो हमारे विकास हुए हैं हमारे शरीर में, उसको ही बढ़ाती है, कमजोरी हमारी दूर करती है। और आजकल फैशन में फ्रेंड्स ये भी चल गया है कि हमारे दिमाग में कमजोरी बच्चे हैं जो वो भी दिमाग से थोड़े मतलब कमज़ोर होने लगे, खासकर पढ़ने लिखने वाले बच्चों में तो ज़्यादा जल्दी से ही चश्मा भी उन्हें लग जाता है दिमाग से थोड़े, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं, सही से नहीं समझ पाते स्कूल में जाते हैं तो, और बड़ों की तो ये हालत होती है क्योंकि उनकी डिप्रेशन टेंशन की वजह से उनके दिमाग में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज़ कहीं भी रख देते हैं और भूल जाते हैं। अगर इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें तो वो जो दिमाग की कमजोरी उसको भी वो दूर कर सकते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मौसम अभी ठंडी का चल रहा है। इस मौसम में अगर हम रोजाना बच्चों को, जो पैर चलने वाले बच्चे हैं, 3 हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 7 माह से ऊपर के बच्चे हैं, उनको अगर हम ये शकरकंदी खिलाएंगे तो इससे जो है निमोनिया का असर कम होगा, निमोनिया जल्दी नहीं बनेगा। और साथ में जो कहते नहीं है कि हमें कहीं ब्लड में इन्फेक्शन है, कहीं यूरिन में इन्फेक्शन है, तो जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को ये दूर करती है। कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो उन सभी को दूर करती है और हमें शक्ति देती है उन इन्फेक्शन से लड़ने की। और साथ में जो है टाइफाइड के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होती है, क्योंकि टाइफाइड से भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए भी फायदेमंद होती है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं हमारे शरीर में हो जाती हैं, उन सभी से लड़ने के लिए हमें शक्ति देती है। तो इसलिए हमें ये बहुत खाने में उपयोगी है, चाहे गर्भवती महिलाएँ हों, छोटे बच्चे हों, ये हम सभी हों, इसको तो सभी लोग खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं वही बनाने जा रही हूँ और आप लोगों से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि हमारी इस जो मैं बनाने जा रही हूँ इसमें अगर कोई गलती हो गई हो या हो जाए, ये सब बनाते टाइम दिखाऊंगी तो आपको, तो प्लस फ्रेंड्स आप जो है इसको देखना और देख के फ्रेंड्स मुझे बताना, कमेंट करना कि इसमें कोई गलती हो तो मैं उसको सुधारूंगी और सही तरीक़ा से आगे जो अगर बनाऊंगी मैं इसको कभी तो उसी तरह से बनाऊंगी फिर मैं। और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको पूरे वीडियो को मेरे देखना, सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन की जो घंटी उसको भी दबाना, शेयर करना, लाइक कर देना और मेरी वीडियो को पूरे देखना और साथ में लाइक भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब भी करना और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत भी है। सो फ्रेंड्स देख लीजिए आप, मैं ये बनाने जा रही हूँ उसको किस तरह से बनाऊँगी, जो भी मैं बनाने की प्रक्रिया, जो भी क्या क्या चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी।